कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में बिजली की समस्या से अस्पताल स्टाफ के साथ मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। दिन भर में कई बार बिजली के आने जाने का सिलसिला जारी रहता है। सुबह 3 घंटे बिजली बंद होने के बाद बिजली आने से ट्रांसफार्मर के पास स्पार्किंग से आग लग गई। अस्पताल स्टाफ ने आग को बुझाया और विद्युत विभाग को इसकी जानकारी दी। अस्पताल के सफाई कर्मी दामोदर ने बताया कि बिजली की समस्या से मरीज और स्टाफ परेशान हैं। ट्रांसफार्मर में आग लगने से आग को बुझाया गया। मर्चुरी के ऊपर से 11 केवी की लाइन गुजरने से पेड़ में करंट आने से पेड़ सूख गया, जिसकी जानकारी विद्युत विभाग को दी गई है। अभी लाइट 2-3 घंटे से गोल था और जैसे लाइट ऑन हुआ तो ट्रांसफार्मर के पास स्पार्किंग होकर के आग लगने का लग गया था। उसको हॉस्पिटल कर्मचारी को बुझाया है स्विच फायर से और CFG को सूचना दी है, बाकी हम लोग देख रेख कर रहे हैं। यह अभी लगातार 2-3 दिन से है। तो ऐसे मरीज भी परेशान रहते होंगे? मरीज भी परेशान है। वो पेड़ क्या है, 11 के भी ऊपर से गया है, बादाम का पेड़ है, उसमें छांव के चलते ऊपर देखते नहीं आते। तो जो परिजन आते हैं शव के साथ में वो सीधा डायरेक्ट नीचे चले जाते हैं और हम देखते हैं तो उनको बोलते हैं कि वहाँ से हट जाएंगे, लाइट है ऐसा करके। तो फिर लाइट टच होने के कारण वो सूख गया था, हाँ करंट था। तो हम CFG को सूचना दिए हैं, आए थे अधिकारी लोग देखने, जी हमारे जिला अस्पताल के साहब लोग को भी बता दिए इसके बारे में। खतरा है उसको चटिंग करने की। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट।